बच्चों आवाज आ रही है मेरी सबको? सर। गुड। तो आप लोगों को फिर जेई मेन आगे बढ़ गया, लगभग 1.5 महीना और आगे चला गया, जो हम लोग सोच रहे थे अगले 10 दिन 12 दिन में हो जाएगा, लगभग लगभग वो मतलब 1.5 मंथ आगे चला गया। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे थे रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो बताइए थर्मोडायनेमिक्स से कौन सा पोर्शन डिस्कस किया जाए? थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा पोर्शन सबसे पे फोकस किया जाए, क्योंकि पहले तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे फिर कॉलम्स पे आएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे एंट्रोपी जोर से बोलिए बेटा। रिलेटेड एंट्रोपी रिलेटेड, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं आप, मेनली थे कि हमको सेकेंड लॉ पे फोकस करना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि तो एंट्रोपी की बात तो मेनली सेकेंड लॉ में की गई ना, एंट्रोपी, बल्कि एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन भी सेकेंड लॉ में किया गया। तो आइए डिस्कशन करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, तो सबसे पहली बात ये, आपको बोर्ड विजुअल है? पूरा बोर्ड विजुअल है सभी को? देखिए हाँ सर। हम लोग सेकेंड लॉ की बात करते हैं, बल्कि एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी, ठीक है? तो एंट्रोपी को सेकेंड लॉ में, एंट्रोपी देखिए बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, जो कि डेफिनेशन सही नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में वही बताया जाता है कि इट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है? कि किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, केमिस्ट्री के साथ डेफिनेशन यही है इसका। तो एंट्रोपी आप जानते हैं, और इट इज सिंपली डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इतना डेफिनेशन आपको पता है। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है हमको, वो ये कि रैंडमनेस किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की रैंडमनेस, लिक्विड की रैंडमनेस और गैस की रैंडमनेस? ऑब्वियसली गैस की रैंडमनेस ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में बच्चों होता है कि अगर गैस के मोल बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल। जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, और रैंडमनेस गैसियस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है। तो रिएक्शन में अगर गैस के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, रिएक्शन में अगर गैस के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। इस प्रकार से हम एंट्रोपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक इसको देख करके और दूसरा यहां से। तो एंट्रोपी के क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया और एक और तरीका आपको बताया। एक इसके बाद बच्चों अब बात आती है, ठीक है एंट्रोपी ऐसे होती है, लेकिन एंट्रोपी को डिफाइन क्यों गया, एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? तो सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी, ये बेसिक बात सबको पता होगी, इसको वजह से एक बार रिकॉल करा दिया मैंने, क्या है कैसे सोचना है एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, डेल्टा एस होता है। अच्छा, इससे पहले चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं भी आपको बताया था मैंने, तो तीसरा पॉइंट हो सकता है चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि तो इसमें आगे यूज करेंगे, इसलिए एक बार रिकॉल करा दें। एंट्रोपी को चेंज करने के लिए बच्चों दो तरीके हैं, पहला फॉर प्रोसेस, प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, और दूसरा फॉर केमिकल रिएक्शन एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। फॉर केमिकल रिएक्शन तरीका यही होगा, फॉर्मूला बदलता जाएगा। देखो सर, प्रोसेस के लिए हो जाएगा डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल, और केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस हो जाएगा समेशन। देखो
रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में जहां फाइनल है वहां प्रोडक्ट आ जाएंगे, रिएक्शन में फाइनली प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, और माइनस इनिशियल में क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रकार से हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। तो एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, पहला पॉइंट। सॉलिड लिक्विड गैस में एंट्रोपी का ऑर्डर ऐसा होता है, रिएक्शन में अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए क्या, प्रोसेस के लिए, प्रोसेस मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वही सब्सटेंस रहता है, खाली उसका स्टेट बदलता है, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट गायब होकर प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो वहां पे जहां फाइनल वहां पे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का सम, इस प्रकार से हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, राइट। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लॉ की, क्योंकि एंट्रोपी का मेन यूज सेकेंड लॉ से बन क्वेश्चन, ऐसे बिना सेकेंड लॉ के एंट्रोपी क्वेश्चन अच्छे बनते ही नहीं है। सिंपल यहाँ जो क्वेश्चन होंगे सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए एंट्रोपी में किसमें चाहिए, सेकेंड लॉ से इसको रिलेट करना पड़ता है। और सेकेंड लॉ में वैसे तो सेकेंड लॉ के दो तरीके बच्चों, मतलब वैसे सेकेंड लॉ के मैंने टोटल छह स्टेटमेंट हैं, छह में से चार स्टेटमेंट कॉमन सेंस है, पांचवा स्टेटमेंट इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, और छठा स्टेटमेंट जो है वो ये बताएगा कि एंट्रोपी चेंज जो है मतलब एंट्रोपी से क्वांटिटी कैसे बता सकते हैं। तो पहले जो चार स्टेटमेंट है वो कॉमन सेंस है, उनकी बात ना भी करें तो चलेगा। पहले चार स्टेटमेंट एक बार फिर भी मैं नाम तो लूंगा इनका, जैसे टोटल छह स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट इस फोटो से निकल आएंगे, ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों इस फोटो में है, किस फोटो में, इसमें, ध्यान दीजिए ऐसे, ये फोटो अगर आप बना लेते हैं तो दोनों स्टेटमेंट निकल जाते हैं। यहाँ पानी का लेवल यहाँ ज्यादा है, ऐसे टैंक ए और टैंक बी में पानी का लेवल थोड़ा कम है, और यहाँ पे स्टॉपर ओपन, स्टॉपर लगा है, स्टॉपर ओपन है। बच्चों देखो जरा, पहला स्टेटमेंट ये है, यहां से आप अगर देखेंगे स्टेटमेंट निकल आएगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट तो बाद में आएगा, पहले देखिए क्या होगा। आप अगर यहाँ पे लगे हुए स्टॉपर को खोल दें तो पानी ए से बी की तरफ जाएगा, अगर स्टॉपर ओपन हो जाए तो पानी ए से बी की तरफ जाएगा और स्लो मोशन हो जाएगा, फास्ट जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि पानी से ए से बी की तरफ जाना नेचुरल प्रोसेस है, और जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं सब बहुत फास्ट होते हैं, जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं सब बहुत फास्ट होते हैं, समझ गए। तो एंट्रोपी मैं सेकेंड लॉ को, एंट्रोपी का डेफिनेशन ले लिया, लेकिन एंट्रोपी बिना सेकंड लॉ के पूरी नहीं होती, पहले एक बार सेकंड लॉ डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंट्रोपी और सेकंड लॉ को मिला के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मैंने कहा था पांच छह स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट जो है इस फोटो से निकालेंगे। स्टेटमेंट वन पहला स्टेटमेंट है, पानी इस, जैसे आपने कहा कि ये दो इस तरीके से लेवल था हमारा फोटो जैसा, हम अगर बीच का स्टॉपर खोल दें तो पानी ए से बी की तरफ जाएगा, और पानी ए से बी की तरफ बहुत स्लो मोशन में नहीं जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा, फास्ट मतलब इरिवर्सिबल। तो बोलते हैं पहला स्टेटमेंट यही है कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर फास्ट, फास्ट बोले तो इरिवर्सिबल, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब फास्ट होता है, ध्यान रखना बच्चों, हर प्रोसेस अपनी मैक्सिमम स्पीड से होता है, फिर मैं बता रहा हूं मैक्सिमम स्पीड, और हर नेचुरल प्रोसेस की अपनी अलग मैक्सिमम स्पीड है। जैसे हमारे चलने की मैक्सिमम स्पीड अलग है, हाथी के चलने की मैक्सिमम स्पीड अलग है, चींटी के चलने की मैक्सिमम स्पीड अलग है, जो भी उस प्रोसेस की अपनी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड उससे होगा वो। पहला स्टेटमेंट यही है, पानी से ए से बी की तरफ जाने का जो पानी का जाने का जो स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड होता है इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से इधर से उधर जाएगा, यानी फास्ट होगा, हर नेचुरल प्रोसेस फास्ट होता है। ये पहला स्टेटमेंट है कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर फास्ट, सारे नेचुरल प्रोसेस फास्ट है या फिर दे आर इरिवर्सिबल, पहला स्टेटमेंट यही है। आइए दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट टू। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा ठीक है, पानी ए से बी तक कब तक जाएगा, तो कहते हैं जब तक दोनों साइड लेवल बराबर ना हो जाए, यानी इसका लेवल घटते घटते इसका लेवल बढ़ते बढ़ते दोनों साइड लेवल सेम ना हो जाए, लेवल सेम हो गया रुक जाएगा। तो नेचुरल प्रोसेस तभी तक होते हैं जब तक लेवल सेम ना हो जाए, लेवल सेम होना मतलब इक्विलिब्रियम आना, तो ऑल नेचुरल प्रोसेस तभी तक होते हैं जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट यही है, ऑल नेचुरल प्रोसेस tends towards equilibrium। तीसरा स्टेटमेंट बच्चों, अच्छा इस फोटो से दो स्टेटमेंट समझ में आ गए, इन दोनों स्टेटमेंट को साइंटिस्ट के नाम पे कोई ना कोई स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं, खैर दो स्टेटमेंट होगा। तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट ध्यान दीजिए,
तीसरा स्टेटमेंट कॉमन सेंस है, मतलब पहले के चारों स्टेटमेंट कॉमन सेंस है। ये बताइए स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री बोलता है ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते, ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो दी गई सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाए, यानी जो एनर्जी उसको दें वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी कोई मशीन बनाना संभव नहीं है। तो आप भी जानते हैं 100% एफिशिएंसी किसी मशीन की हो ही नहीं सकती। मशीन इन द सेंस फैन, कंप्यूटर, ये हेडफोन जो मैं लगाए हूँ, ये कैमरा इसके थ्रू टेलीकास्ट हो रहा है, आपके पास जो फोन है ये सब मशीन है, लेकिन क्या जितनी एनर्जी उस मशीन को मिल रही है क्या वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, कुछ ना कुछ वेस्ट हो रहा होगा। आप जिस मोबाइल को पकड़े देखिए, मोबाइल थोड़ा हीट अप हो गया होगा, मतलब उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। उसका मोबाइल काम हीट करना नहीं है, मोबाइल काम है डिस्प्ले करना, साउंड देना, लेकिन वो हीट कर रहा है, वो वेस्ट हो रहा है उसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट यही है कि दी गई पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट गिवन इनटू वर्क। ठीक है, यही स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल, लिखने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है समझ रहे होंगे। थर्ड स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट गिवन इनटू वर्क। और यहां पे एक फॉर्मूला भी डिराइव कर देते हैं एफिशिएंसी का, थर्ड में एक एफिशिएंसी आ जाती है, नोट नंबर वन करके एफिशिएंसी थर्ड स्टेटमेंट में ही है। एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन हीट गिवन, डब्ल्यू बाई क्यू, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट गिवन, ये होता है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को, ऐसे आ जाएगा। और बच्चों ऐसा बोलते हैं अगर जहां से हीट आ रही है वो सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर अगर टी टू है और जिस को हीट मिल रही है, ये सोर्स टी टू से क्यू टू हीट आ रही है, इस क्यू टू हीट में से क्यू वन हीट वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही मतलब सिंक में जा रही है, क्यू वन हीट वेस्ट हो रही है, वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है कितना, क्यू टू माइनस क्यू वन, बच्चों वर्क जो हो रहा है क्यू टू माइनस क्यू वन हो रहा है। तो ऐसे केस में वर्क डन इतना हो गया, ये वर्क डन और हीट गिवन ये हो गई, तो एफिशिएंसी यहां हो जाएगी W बाई क्यू टू फिलहाल। तो W कितना हो गया, W आ गया Q2 टू माइनस क्यू वन, देखिए बच्चों ये आ गया Q2 टू माइनस क्यू वन और अपॉन Q2 तो था ही, और वी कैन ऑल्सो प्रूव कि ये जहां Q2 है वहां T2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा T2 टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, ये एफिशिएंसी है। और ये सेकेंड लॉ के तीसरे स्टेटमेंट से ही आती है। अब मुझे बताइए बच्चों एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए, ईटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, कैसे होगी एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए? तो आप कहोगे सर ये मैक्सिमम, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मैक्सिमम वन हो सकता है, ध्यान दीजिए मैक्सिमम फ्रैक्शन वन हो सकता है, ये तभी संभव है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो। तो बराबर कैसे होंगे सर, टी टू तो टी टू है लेकिन यहां भी टी टू होना चाहिए, तो टी वन कितना होना चाहिए, जीरो, बच्चों T1 जीरो होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैंने बताया T1 जीरो होना चाहिए, देख लीजिए eta equals to Q2 minus Q1 upon Q2 है, ठीक है, तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं this is equals to T2 minus T1 upon Q2। अब eta को 1 होने के लिए बच्चों efficiency maximum होने के लिए, maximum efficiency 100% होती है, यानी eta की वैल्यू 1 आएगी, ऐसे केस में 1 आने के लिए numerator denominator बराबर होने चाहिए, तो नीचे T2 है ऊपर भी T2 होना चाहिए, ऊपर T2 तभी होगा जब T1 जीरो हो जाए, और T1 जीरो केल्विन, अगर T1 यानी T1 मतलब सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन हो जाए, ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ T1 सिंक का टेम्परेचर, बच्चों अगर जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी 100% होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम जीरो डिग्री जीरो केल्विन टेम्परेचर मेंटेन कर पाए? नहीं, ये जीरो केल्विन, अगर ये जीरो केल्विन हो जाए, अगर हम ऐसा सिंक डेवलप कर पाए इसका टेम्परेचर जीरो हो जाए, तो T1 जीरो हो गया तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर कोई हम सोर्स सिंक ऐसा डेवलप कर पाए जिसकी एफिशिएंसी जीरो है, somehow ऐसा कोई सिंक डेवलप कर पाए जिसके टेम्परेचर जीरो हो जाए, जीरो केल्विन हो जाए, जीरो डिग्री नहीं, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मतलब माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन हो गया सिंक का, ठीक है ना, सिंक का टेम्परेचर अगर इतना मेंटेन कर लिया हमने T1 इक्वल टू जीरो, तो उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। अगर ऐसा होता ना तो जितनी मशीन बनी है सबकी एफिशिएंसी 100% होती, लेकिन नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि T1 equals to minus 273 डिग्री सेल्सियस नहीं, जीरो केल्विन मेंटेन करना आसान नहीं है, ऐसी कोई मशीन बना ही नहीं सकते जिसमें हम टेम्परेचर जीरो केल्विन मेंटेन कर पाए, जिसमें टेम्परेचर जीरो केल्विन मेंटेन कर पाए ऐसी मशीन बन ही नहीं पाएगी, संभव ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या है, 100 नहीं होती, यानी ईटा केल्विन 1 नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट फिर से, अभी हमने एंट्रोपी को रिलेट नहीं किया, एंट्रोपी को पांचवें स्टेटमेंट में रिलेट करेंगे।
फिर एंट्रोपी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था जो पीडीएस ने एक बार आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया था उसमें भी आप लोगों ने यही लिखा, थर्मोडायनेमिक्स लिखा था और साथ में सेकंड लॉ लिखा था मेनली, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो देखिए आगे की जो बात है वो ये है कि हम स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट थ्री के संग संग एफिशिएंसी आ गई। बच्चों उसको हीट इंजन बोलते हैं, वैसे फिजिक्स का पार्ट है हीट इंजन डिटेल में, बट केमिस्ट्री में एफिशिएंसी की बात तो कर ही सकते हैं। हीट इंजन डिटेल में आपने कार्नोट साइकिल, ये जो हम प्रूव करते हैं ना Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, कार्नोट साइकिल से प्रूव होता है। कार्नोट साइकिल हो सकता है फिजिक्स में आपने प्रूव किया हो, ठीक है, अदरवाइज बड़ा आसानी से होता है, बस हीट हैस लॉ यूज करना है, दो पाथ का हीट बराबर करना, काम हो जाता है, ठीक है। तो ये है, अब चौथा स्टेटमेंट आता है इसका बच्चों, चौथा स्टेटमेंट सेकंड लॉ का ये है, पहला दोनों कॉमन सेंस, तीसरा भी है तो कॉमन सेंस ही ना, तीसरा भी स्टेटमेंट कॉमन सेंस है, क्यों ऐसी मशीन बनाई नहीं सकते इसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसी मशीन बनी नहीं सकती इसकी एफिशिएंसी 100% हो, ये संभव ही नहीं है, राइट। अच्छा चौथा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 4, एक मिनट बच्चों, चौथा स्टेटमेंट ये है कि मान लो ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर काम क्या होता है, अंदर टेम्परेचर लो होता है और बाहर टेम्परेचर हाई होता है, और ये क्या करता है, अंदर अंदर और ठंडा रखने के लिए अंदर से हीट निकल के बाहर जाती है, हीट का ट्रांसफर देखिए ऐसा होता है, ये नेचुरल प्रोसेस का उल्टा है, हीट को लो से हाई भेज पाता है, फ्रिज हीट को लो से हाई भेज पाता है, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएगा, फ्रिज हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भेज रहा है, लेकिन फ्रिज हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तभी भेज पाएगा बच्चों जब कुछ ऐसा हो रहा हो। देखिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट तभी जा पाएगी जब आपको इसको क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी यानी करंट पावर जब दे रहे हैं, जब फ्रिज को पावर मिल रही तभी ये हो संभव है, अगर पावर कट हो जाए बच्चों तो हीट फिर ये नहीं होगा, उल्टा होना चालू हो जाए, क्या हीट हाई से लो आना शुरू हो जाएगी, अगर पावर कट हो जाए तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगी और फ्रिज गर्म होने लगेगा, समझ गए ना। तो ये भी कॉमन सेंस है कि फ्रिज तभी चलेगा जब पावर होगा, है ना, यानी बिना पावर का यूज किए हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भेजना संभव नहीं है, यही चौथा कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है, बिना पावर के फ्रिज ठंडा नहीं होगा। उसी प्रकार से समझ लीजिए बिना बाहर की एनर्जी का यूज किए हीट को लो से हाई भेजना संभव नहीं है, ये चौथा चौथा स्टेटमेंट है कॉमन सेंस वाला। तो कॉमन सेंस के चार स्टेटमेंट हो गए, कॉमन सेंस स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। थ्री पे तो क्वेश्चन ही बनते हैं, या कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे सीधे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, राइट। एफिशिएंसी सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर, कितना वर्क किया, कितनी हीट आ रही, कितना जा रहा है, ये सब पे, ठीक है, ओके। बच्चों अगले पॉइंट होता है पांचवा पॉइंट, मैंने कहा था पांचवा में मैथमेटिकल फॉर्म होगा, मैथमेटिकल फॉर्म, यही आप मेनली आप लोग बोल रहे थे, लेकिन यहां तक डायरेक्ट पहुंचने से बेटर था कि हमको थोड़ा सा पूरा पाथ क्रिएट किया, हम लोगों ने बात कर ली, तो कुछ पुरानी बातें जो हमको नहीं पता थी या भूल गए थे वो रिकॉल हो जाएंगी। आइए अभी 1.5 महीना है, लगे रहिएगा, इतना रिलैक्स नहीं हो जाना, COVID-19 आप लोग रिलैक्स, इतना रिलैक्स ना कर दे कि आप लोग चीजें भूलना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है, लगे रहिए, मेरे तो सजेशन आप लोगों को हमेशा रहता है कि आप सब लोग RET देते रहिए, ठीक है, RET के बहाने होता है, दो RET क्रिएट किए, एक सैटरडे को, सॉरी एक फ्राइडे को, एक मंडे को, और कॉम्पिटेटिव बनाए रखने के लिए कहा कि ठीक है इस एक एग्जाम में जो 70% है वही अगले में बैठेंगे, तो अपने आप थोड़ा सा कोई RET मिस मत करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपने जो पढ़ा है अगर आप थोड़ा भी लैग कर गए तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप खुद भी RET में बैठें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें भाई तुम भी बैठो, क्योंकि ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, और आपको भी लगेगा। मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन 12th के बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, हर साल जब RET होता था ना, RET जब भी अनाउंस होता था तो बहुत कम बच्चे ही बैठते थे लास्ट में, आखिरी RET में 15-20 बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, वही पैटर्न चल, हर साल वही पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए आप और अपने पूरे ग्रुप को मोटिवेट करिए, RET में बैठिए, उनसे कॉम्पीट करिए, हेल्दी कंपटीशन रखिए 1 महीने तक, अगर 1-1.5 महीने अपने को मोटिवेट कर लेगा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अदरवाइज बहुत से अच्छे बच्चे, इनकी तैयारी अच्छी थी,
बिकॉज ऑफ दिस डिले, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपना गड़बड़ा देंगे. चलिए आइए मैथमेटिकल फॉर्म देखिए. मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोलता है बच्चों, ये देखिए कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है ये, और इस सिस्टम का टेम्परेचर टी केल्विन है. सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर टी केल्विन है. अब हमने क्या किया बच्चों, हमने सिस्टम को हीट दी, हमने सिस्टम को हीट दी, लेकिन हीट ऐसे नहीं गिरी, उठा बहुत एकदम पूरी सीट एक साथ नहीं दी. ध्यान रखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक थप्पड़ आपको पड़ गया बहुत तेजी से, और थप्पड़ तेजी से पड़ा, कई बार घर का कोई पापा मम्मी ने बचपन में आपको थप्पड़ मारा हो जब आप बहुत छोटे थे, अभी थप्पड़ मारेंगे शायद आपको फर्क नहीं पड़े, लेकिन जब बहुत छोटे थे और पापा मम्मी बड़े थे उसमें थप्पड़ मार देते तो एकदम से गाल गर्म हो जाता था और आप हो सकता गिर भी पड़ते, है ना, हाथ का मोमेंटम हाई होता था, आपका मोमेंटम जीरो, गिर सकते थे, ठीक है. लेकिन तो एक ही थप्पड़ में बहुत सारी एनर्जी मिल गई, आपका गाल गर्म होता था, गिर जाते थे, बचपन की बात है ना, तो गाल गर्म हो गया मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, वो नहीं करना है. यहाँ हम उसको एनर्जी देने वाले, एनर्जी ऐसे नहीं देनी है कि एकदम गर्म गाल गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया गाल का, वैसे ही इसको हीट देनी है, लेकिन ऐसे नहीं देनी कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंट्रोपी में, ध्यान रखिएगा, जब हम इसको एंट्रोपी हीट दे रहे हैं तो उतनी हीट दीजिए ताकि टेम्परेचर ना बढ़े, भले ही हीट को हमें बहुत पार्शियल देना पड़े, डिफरेंशियल हीट देनी पड़े, इतना छोटा टुकड़ा दीजिए उस टुकड़े की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़े. बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए फिजिक्स में कि इतना डिफरेंशियल अमाउंट देते हैं कि हाँ ठीक है कि डीएक्स एक्स में डीएक्स का चेंज है लेकिन वाई कॉन्स्टेंट लेते हैं उस समय, वैसे ही कुछ है वाई डीएक्स करते ना, उसी टाइप से कुछ है कि इसको हम हीट दे रहे हैं लेकिन हीट हम जो भी देंगे, हीट कैसे देंगे, थप्पड़ मारने वाले हीट नहीं देंगे, कैसे देंगे, ऐसे 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 टच कर देंगे. अगर हमने ऐसे टच कर दिया मतलब गाल ऐसे अपने गाल को गर्म करिए, टच करिए तो देखेंगे गाल गर्म नहीं होता, ऐसे करिए तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने पे गाल गर्म नहीं होगा, गाल गर्म नहीं होगा. आपने हीट तो दी लेकिन हीट का इतना डिफरेंशियल अमाउंट दिया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया. वैसे यहाँ पे यहाँ डी क्यू हीट दे रहे हैं बच्चों, डी क्यू हीट दे रहे हैं इसमें, डी क्यू डिफरेंशियल हीट, और बहुत छोटे बहुत छोटा टुकड़ा दे रहे हैं, बहुत छोटा टुकड़ा, बहुत धीमे से दे रहे हैं, मतलब ऐसे एकदम थप्पड़ मार दिया गाल गर्म हो गया, मैंने बहुत तेजी से दे दिया. लेकिन अगर जो ऐसे एक बार मारने बहुत तेजी से मारने पे अगर हमने 10 जूल हीट दे रहे थे, एक थप्पड़ में 10 जूल हीट मिल रही थी, फिर हमने क्या किया, ये तो केस वन हो गया. फिर हमने क्या किया, उस 10 जूल हीट के हजारों टुकड़े किए, हजारों टुकड़े, और उस हर टुकड़ा ऐसे करके दिया, बहुत धीमे धीमे दिया. जो एक थप्पड़ मिल रहा था हमने एक महीने में दिया, तो सोचिए जरा उतनी एनर्जी एक महीने में दोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. उतनी हीट हम टुकड़ों में देंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो बच्चों ऐसे केस में, और जो प्रोसेस बहुत धीमा धीमा होता है, एकदम से थप्पड़ दिया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, और धीमे धीमे एक महीने में इतनी हीट दी तो रिवर्सिबल प्रोसेस, समझ गए. तो जो हीट हम दे रहे हैं उस हीट को देते समय टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं बच्चों. तो क्या बोलेंगे हम, क्यू आर ई वी हीट दे रहे हैं, रिवर्सिबल हीट, क्यू बेस में आर ई वी, रिवर्सिबल लिखने का मतलब यह है कि जब हीट दे रहे हैं उसमें यहाँ टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, जिस समय हीट देंगे उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इतना डिफरेंशियल छोटा है. तो बस यही बोलता है कि अगर एक सिस्टम जिसका टेम्परेचर टी केल्विन है उसको हम डीक्यू हीट रिवर्सिबल तरीके से दें, बच्चों डीक्यू हीट रिवर्सिबल तरीके से मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, या इतना डिफरेंशियल चेंज आएगा कि वो हम काउंट नहीं करेंगे. तो इन दैट केस, इस केस में चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय, चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय व्हाट, ऐसे डिफरेंशियल चेंज होगा डीएस इक्वल्स टू, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, यहां रखेंगे डिफरेंशियल चेंज डीएस, यहां रखेंगे डिफरेंशियल हीट डीक्यू, और डीक्यू बेस में आरईवी रिवर्सिबल हीट. देखिए ऐसे हीट, चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है. और यही बेसिक फॉर्मूला है जो छोटा सा फॉर्मूला बड़े बड़े प्रॉब्लम में लगेगा बच्चों, फिर नोट कर लो, ये छोटा सा फॉर्मूला बड़े बड़े प्रॉब्लम में लगेगा, हर बड़ा प्रॉब्लम कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, व्हाटएवर इट बी, यही फॉर्मूला यूज होगा एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हर जगह, ठीक है. अगर टेम्परेचर बदल रहा है सिस्टम का तो ये फॉर्मूला पूरे सिस्टम में अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशियल उस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म उस सिस्टम को, डिफरेंशियल उस प्रोसेस को डिफरेंशियल पार्ट्स में तोड़ लेंगे, और उस छोटे से पार्ट में यहाँ टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और ऐसे बहुत सारे डीएस निकालेंगे और डीएस को फिर जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है. तो
तो इस तरीके से जो आपने बोला एंट्रोपी का पार्ट, एंट्रोपी का मेन पार्ट यही है। ये छोटा सा फॉर्मूला हर बड़े प्रॉब्लम में लगेगा, हर जगह कोई प्रॉब्लम आप उठाएगा एंट्रोपी का इसी फॉर्मूले से होगा। और ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, एंट्रोपी का। एंट्रोपी को मैथमेटिकली ऐसे ही डिफाइन करते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। हाँ, बस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको तो हम यूज कर ही लेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। दो तीन प्रोसेस हैं जहां पे आप हीट देते हैं टेम्परेचर नहीं बदलता, उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे वाइल बॉइलिंग, जब कोई चीज बॉइल हो रही होती ना, लिक्विड से गैस जा रही होती ना, उसका टेम्परेचर उस समय बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, लिक्विड का भी और गैस का भी। तो जब अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड के लिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से मेल्टिंग या फ्यूजन, मेल्टिंग हो रही है या फ्यूजन हो रहा हो, उसमें भी यही होता है, सॉलिड से लिक्विड आ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो दो जगह फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बॉइलिंग के लिए जहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। बॉइलिंग में ध्यान दीजिए, अगर आपने एक लीटर लिक्विड लिया है, जब तक पूरा एक लीटर लिक्विड लिया है उसका, उससे गैस बन रहा है, तो जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, ना तो लिक्विड का ना तो गैस का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला आसानी से बॉइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आसानी से को इसको आप फ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं, जहां टेम्परेचर नहीं बदलता वहां इसको आप यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करना है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को मेन तो इस फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बट Spontaneous process, entropy of universe always increases, ठीक है? क्या बीच में disconnect हो गया था क्या, लग रहा है हम call पर? चलिए ठीक है। तो I think आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे कि entropy of universe को हमको कैसे deal करना है, ठीक है? बच्चों, ये मैंने पूरा आपको एक second law पूरा एक बार describe किया है। मैं entropy के application पे जाऊँ, इस formula के application पे जाऊँ different process संग, उससे पहले इसमें कोई doubt हो आप बस discuss करें पहले। उसको किसी को इस पे कुछ सर? पूछना है, कोई डिस्कशन करना हो तो बात कर सकते हैं इनमें पूरे छह स्टेटमेंट में। सर वो सिक्स्थ पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था वो। कौन सा बेटा? सर लास्ट वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला, छठा पॉइंट। ये नहीं, ये अच्छा छठा पॉइंट। हाँ बच्चों, ये बेटा ये बताया था मैंने कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है, देखो इसको भी अगर कहानी से लिंक करें बड़ा अच्छा लिंक कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्स है, जो भी यूनिवर्स है, उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, लगातार डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, ठीक है। यानी अगर कोई यूनिवर्स, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसमें एंट्रोपी बढ़ रही होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ये इसका आखिरी स्टेटमेंट है। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल जल्दी मैं क्लास में देता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ दो मिनट के लिए, जो कि आपने स्टेटमेंट द्वारा पूछा। उसमें यह है कि मान लीजिए आप एक रूम में रह रहे हैं, आपके घर में एक रूम है, उस रूम को आपने बिल्कुल साफ किया, बिल्कुल मतलब उसमें अच्छे से मार्बल लगा हुआ है, बिल्कुल मतलब वॉल बहुत फिनिश्ड है, आपने उसको अच्छे से साफ किया, डस्ट का एक भी पार्टिकल उस रूम में नहीं था, और बिल्कुल साफ सुथरा करके बिल्कुल इतना साफ किया कि दीवार में अपना चेहरा दिख रहा था, इतना साफ था वो, इतना चमक गया। और उसके बाद आपने उस रूम को चमकाने के बाद उसको बंद कर दिया, ध्यान दीजिए रूम बिल्कुल साफ सुथरा था, आपने बंद कर दिया, और छः महीने बाद आपने रूम खोला। आप बताइए, छः महीने बाद रूम खोला, क्या उतना ही साफ होगा? नहीं, ये रूम गंदा हो चुका होगा। किसने गंदा किया? नेचर ने। और ध्यान रखना, गंदा होना मतलब एंट्रोपी बढ़ना, गंदा होना मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ना, डिसऑर्डरनेस मतलब एंट्रोपी बढ़ना। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने रूम का दिया कि रूम का गंदा होना नेचुरल प्रोसेस है, रूम का एंट्रोपी बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं अगर कोई प्रोसेस नेचुरल है उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। वही है कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस नहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
रूम का गंदा होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं सब में एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन किसकी एंट्रोपी? यूनिवर्स की। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है किसमें? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। ये बात अच्छे से माइंड में रखिएगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। ये आखिरी स्टेटमेंट है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम की नहीं, सराउंडिंग की नहीं, यूनिवर्स की। और ध्यान रखना, यूनिवर्स एंट्रोपी होती क्या है? यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी, दोनों का जोड़ देते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग एंट्रोपी दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी मिलेगी, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग बट सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो ये छठा स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा फोकस अब जैसा कि क्वेश्चन बनेंगे उस मैथमेटिकल फॉर्म पे, हमारा सारा फोकस पे रहे। बाकी सारे स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गए हो तो मैं आगे बात करता हूँ। देखिए ठीक है ना, कहीं कोई स्टेटमेंट डिस्कशन नहीं करना, चलिए बच्चों आइए। ये मेनली अब हमारा इस पे रहेगा, इस पे फोकस रहेगा, इस पे मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे चलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके एक बार हम लोग एंट्रोपी चेंज भी निकाल पाएंगे सिस्टम के लिए, फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल पाएंगे, जो चाहेंगे इसी फॉर्मूले के थ्रू पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे एंट्रोपी चेंज के लिए, ठीक है। तो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा, सेकेंड लॉ के 6 स्टेटमेंट पढ़े, 5 स्टेटमेंट कॉमन सेंस, छठा स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म, 7वां स्टेटमेंट सिर्फ एंट्रोपी और यूनिवर्स को, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को रिलेट करता है। 6 स्टेटमेंट पूरे होते हैं, ठीक है। आप लोग लिख रहे होंगे, लिख लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं इसलिए आपको लिखा नहीं रहा हूँ, बस खाली बता था चल रहा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है बताइए, लिखना होगा तो मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्लास के बाद आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस फॉर्मूले को यूज करना समझने, इसको समझने जा रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। चलिए तो नाउ नोट नंबर 1, एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज, लिखिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। तो टेम्परेचर हमने बताया था, ये जब भी हीट दे रहे हैं उसमें टेम्परेचर नहीं बदले, और टेम्परेचर ना बदलने का एक एग्जांपल हमारे पास फेज चेंज है। पहला है बॉइलिंग। देखिए जरा, आप जानते हैं कि ए सॉलिड अगर है हमारे, सॉरी ए लिक्विड हमारे पास है और ए गैस बन रहा है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे हीट हमको देनी पड़ती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता, हीट देनी पड़ती तभी लिक्विड से गैस जाएगा। लेकिन इसका टेम्परेचर भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका टेम्परेचर भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच हमको पता है तो डेल्टा एच जो भी हीट दे रहे हैं, डेल्टा एच हीट ये अगर ये पर मोल बेसिस पे है तो एक मोल लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं एट, आई एम सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट लिखना है यहाँ पे, कुछ भी यार इतना ध्यान दो, गैस लिक्विड से गैस बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। तो आप एक मोल लिक्विड लोगे और इतनी हीट दोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा, बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो बस जब टेम्परेचर नहीं बदला सीधे फॉर्मूला यूज करो, ये डिफरेंशियल था तो डिफरेंशियल था, यहाँ तो हम टोटल हीट रख रहे हैं तो ये टोटल आ जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर पूरे में नहीं बदलता, तो यहाँ डेल्टा एस आ जाएगा इक्वल टू ये क्यू रिवर्सिबल कीजिए और अपॉन टी, बच्चों ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा एस वेपराइजेशन, डेल्टा एस बी मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच बी, इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, डेल्टा एच बी हो जाएगा और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो देख लो अगर आप बॉइलिंग की इक्वेशन लिखते हैं उसका एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग दिया हो तो एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग हीट की जगह रखिए, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट रखिए, डेल्टा एस आ जाएगा सीधे। और देखिए बच्चों यहाँ पे इस बॉइलिंग के लिए एक लॉ आता है ट्राउटन्स लॉ, बॉइलिंग के लिए एक लॉ है ट्राउटन्स लॉ,
ट्राउटन ने क्या बोला, उसने कहा देखो भाई ज्यादातर लिक्विड के लिए, ज्यादातर लिक्विड लेकिन वो लिक्विड शामिल नहीं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ट्राउटन ने इसी बॉइलिंग पे अपना एक लॉ दिया, उन्होंने कहा देखो ज्यादातर लिक्विड के लिए जो एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है, ज्यादातर लिक्विड के डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होती है, 88 जूल होती है, 88 फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड। इसमें ऐसे लिक्विड शामिल नहीं है बच्चों, इसमें ऐसे लिक्विड शामिल नहीं है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर शामिल नहीं है, अल्कोहल शामिल, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं उनके लिए लॉ वैलिड नहीं है। तो ट्राउटन लॉ लिखना पड़ेगा इसके लिए, ट्राउटन्स लॉ, ट्राउटन्स लॉ। ट्राउटन लॉ बोलता क्या है कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड डेल्टा एस ऑफ ये डेल्टा एस वी इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन टी है, टी होता बॉइलिंग पॉइंट ना इन केल्विन। और ट्राउटन ने बोला कि फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड इसकी वैल्यू 88 जूल होती है, जूल पर मोल पर केल्विन होती है, 88 जूल है तो 88, कैलोरी है तो 21 कैलोरी के आसपास होगा जो 88 जूल के बराबर होता है, 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बट ट्राउटन्स लॉ बोलता है मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन इज 88 फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड। लिख लीजिएगा बच्चों, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड, इसमें ऐसे लिक्विड शामिल नहीं करना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण उनके बीच एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा तो डेल्टा एच बदल जाएगा ना। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स बदलेगा तो डेल्टा एच बदलेगा, डेल्टा एच पर डेल्टा एच बदल जाएगा। इसलिए ट्राउटन्स लॉ उनके लिए वैलिड नहीं है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, बाकी सबके लिए वैलिड है, ठीक है। बच्चों हम मैथमेटिकल फॉर्म को और डिटेल में जान रहे हैं, हमने जाना बॉइलिंग के लिए क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस क्यू रिवर्सल की जगह डेल्टा एच भी रख देना, एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा एस निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, अगर इन तीन फैक्टर में से डेल्टा एच, बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा एस वी में कोई तीन फैक्टर देगा तो क्वेश्चन, सॉरी तीन में से कोई दो फैक्टर पता होंगे, तीन में से कोई दो फैक्टर पता होंगे, तीसरा निकल आएगा, देश देश और देश, तीन में दो पता तीसरा निकाल लो। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है तीन में से एक ही फैक्टर दिया है, तीन में से दो दिया तो कोई भी निकालेगा तीसरा, लेकिन तीन में से एक ही दिया है, और जब एक ही दिया होता है उस समय हमें ट्राउटन्स लॉ की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेल्टा एच और बॉइलिंग पॉइंट में से कोई एक दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, तो उस केस में डेल्टा एच हम अपने आप 88 रख देंगे। ये ट्राउटन्स लॉ की जरूरत हमको तब पड़ती है जब ऑफ थ्री फैक्टर कोई एक ही पता हो और दूसरा पूछा हो, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ट्राउटन्स लॉ किसके लिए वैलिड है, उनके लिए वैलिड है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, उन्हीं के लिए वैलिड है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बच्चों एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ
बस एक मिनट देना जरा, बस एक मिनट। हाँ बच्चों, तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा ये कहानी कर लिया है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज सॉलिड से लिक्विड के लिए कर लिया, बॉइलिंग के लिए हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरी चीज पे, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग डिटो ऐसे ही होना, बस बॉइलिंग के लिए टॉटन्स लॉ है, मेल्टिंग के लिए कोई टॉटन्स लॉ नहीं है। तो टॉटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग में लगता है और बहुत आसानी कर देता क्वेश्चन। तीन में से एक ही चीज पता है, टॉटन्स लॉ लगाओ और दूसरा निकल आएगा, क्योंकि डेल्टा 88 जूल लेना है, कैलोरी में 21, जूल में 88। दूसरा है बच्चों फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है या मेल्टिंग में क्या होता है, इसमें होता है ए सॉलिड से ए लिक्विड बनता है। और ध्यान रखना इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा एच होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। बच्चों यही फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एच एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल चलिए बच्चों फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, ये जूम का कुछ प्रॉब्लम है, जूम के प्रॉब्लम कारण डिस्कनेक्ट हुआ था, हमारे प्रॉब्लम कारण नहीं, हम लोग तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं।
ठीक है, तो ये बॉइलिंग और ये फ्यूजन, ठीक है। हाँ जी, अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन, खाली डाटा रखना है, क्वेश्चन देने का मतलब नहीं, सीधे यार वैल्यू रखो, आंसर निकालो, उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे। चलिए बच्चों, गैस के लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं, और गैस तो नोट नंबर टू, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए भी चलते हैं, है ना। तो देखो जरा, तो यहां पे फॉर गैस, गैस है मतलब ये कैन बी एनी सब्सटेंस, और एनी सब्सटेंस और एनी स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी स्टेट ले लो बच्चों, कोई भी स्टेट, हर स्टेट के लिए वैलिड है, गैस में लिख रहा हूं सबके लिए वैलिड है, क्या है सबके लिए वैलिड क्या है, आइए जानते हैं, गैस में लिख रहा हूं बट वैलिड ये सभी के लिए है, ठीक है। एक बड़ा सा फॉर्मूला आएगा, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए, एक फोन आ गया, सॉरी बच्चों, देखो दर फॉर एनी गैस, बच्चों होता क्या है, अगर कोई सब्सटेंस है यहाँ पे, कोई सब्सटेंस हो, सॉलिड लिक्विड गैस हो, कुछ भी हो, इसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, यहाँ N1 मोल इसके N मोल मौजूद है, N मोल किसी भी सब्सटेंस के, और फाइनली इसकी स्टेट बदल जाती है, इसकी स्टेट बदल के बच्चों हो जाती है टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, मोल उतने ही रहते हैं, मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल से फाइनल जाने में कहते हैं डेल्टा एस कितना होगा ये निकालना है हमको, ये कोई भी स्टेट हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी स्टेट हो सकती है, जनरल फॉर्मूला है, मैं गैस के लिए लिख रहा हूं बट ये सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। क्या करना है, तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है, कुछ भी हो हमें क्या करना, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू ये वाला, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू डीएस इक्वल टू डीक्यू बाय टी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बाय फर्स्ट लॉ, बाय सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ बोलता है डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, टेंपरेचर शुड बी इन केल्विन। अच्छा,
फिलहाल देखिए यहाँ से यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तो टेम्परेचर बदल गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मानेंगे बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट लेंगे ऐसी कि यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर चेंज डीटी है, डीटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर टी वन प्लस डीटी हो गया, टी वन प्लस डीटी, लेकिन डीटी बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल है ना। तो उस केस में एंट्रोपी चेंज कैसे होगा, तो आप कहोगे डीटी बहुत छोटा है, ध्यान रखिए, तो हम जानते हैं कि हीट गिवन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, अच्छा सी लिखा नहीं है, इस यहां जो भी सब्सटेंस भरा है इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो सी है, इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो सीपी है, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो यहां सीपी इंटू डीटी इतनी हीट लगेगी। ध्यान दीजिए अगर हम इसको यहां से यहां ला रहे हैं, डिफरेंशियल चेंज ला रहे हैं, ऐसे डिफरेंशियल चेंज करते करते यहां तक पहुंच जाएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंशियल चेंज। तो बच्चों अगर पहला चेंज देखते हैं, ये T1 से T1 प्लस dT हो रहा है, T1 से T1 प्लस dT हो रहा है, तो यहां से टेम्परेचर dT बढ़ा, dT टेंडिंग टू जीरो, dT इतना छोटा है कि लगभग जीरो है, तो सर ऐसे वो बोला ना ऐसे इतनी हीट दे रहे हैं, ऐसे करके हीट दे रहे हैं, बहुत छोटी सी हीट, तो सर हीट कितनी देनी पड़ेगी, अगर इसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp है तो हीट देना पड़ेगा Cp इंटू dT। बच्चों अगर dT टेंडिंग टू जीरो होगा तो हीट ये dQ भी टेंडिंग टू जीरो होगा, इतना छोटा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जो भी थोड़ी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है, जनरल बात रख देते हैं, जनरल बात dQ की जनरल वैल्यू रख देते हैं। अब dQ की जनरल वैल्यू कहां से आएगी, तो dQ की जनरल वैल्यू ये तो हम फर्स्ट लॉ से रखेंगे भाई, फर्स्ट लॉ आपको याद होगा, डेल्टा यू या डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता था, dQ प्लस dW, dU इक्वल्स टू dQ प्लस dW, ठीक है, dU equals to dQ plus dW, right? ये बात है। अच्छा बच्चों इसमें हमको ये dQ रिवर्सिबल निकालना है, बस सीमे के यही dQ रिवर्सिबल, यहां से वैल्यू निकालो और ये क्या हो जाएगी, माइनस होगा, माइनस PdV हो जाएगा, देखो इधर ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि dU होता है n CV dT, dU होता है n CV dT, मतलब इसी फॉर्मूले में dQ की वैल्यू यहां से dQ यहां से निकाल के रखना है, dQ रिवर्सिबल इस फॉर्मूले से, तो dQ रिवर्सिबल कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, dQ रिवर्सिबल आ जाएगा, इसको अगर ट्रांसपोज करिए तो आ जाएगा PdV, या पहले आएगा एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये आ जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला आ गया है dQ रिवर्सिबल का, इसको उठा के यहां रख दो, इंटीग्रेट कर दो, देखो आपको जो जनरल फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का होना है आना है वो आ जाएगा, मैं देखता हूं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। सर ये dQ रिवर्सिबल कैसे हुआ, सॉरी बेटा ये dQ रिवर्सिबल कैसे हुआ, रिवर्सिबल बेटा इरिवर्सिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो भी काम डिफरेंशियल फॉर्म में करते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, देखो रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल होता है जो काम बहुत धीमे हो, मैंने एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, एक थप्पड़ मार दिया 50 जूल एनर्जी मिल गई, ये बहुत फास्ट हुआ, ये इरिवर्सिबल है, लेकिन आपने उसी 50 जूल को छोटे छोटे टुकड़ों हजारों टुकड़ों में बांट दिया, 50 जूल को हजारों टुकड़ों में बांटा और वो सारे टुकड़े धीरे धीरे आपने एक महीने में दिए, तो वो ऑब्वियसली डी क्यू डिफरेंशियल फॉर्म में दिए, जो डिफरेंशियल फॉर्म में दे रहे हैं वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उतनी हीट देने से लगभग टेम्परेचर में चेंज नेग्लिजिबल होगा, dT टेंडिंग टू जीरो होगा, और अगर dT टेंडिंग टू जीरो है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो मतलब रिवर्सिबल होता है, जो भी प्रोसेस बहुत स्लो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो इस प्रकार से एन सी वी dT प्लस PdV और dQ रिवर्सिबल आ गया, dQ रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि हमने डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मींस बहुत छोटे टुकड़े पे अप्लाई किया, छोटा टुकड़ा मतलब बहुत स्लोली टुकड़ों में हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग dQ रिवर्सिबल कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ओके बच्चों एक चीज और वो ये कि स्क्रीन पे थोड़ा कुछ आ रहा है, मुझे ही लग रहा है स्क्रीन, या तो ठीक लग रही है स्क्रीन,
चलिए हाँ जी अच्छा ठीक है ना, डी क्यू कैसे हुआ समझे, ये रिवर्सिबल कैसे हुआ, छोटा छोटा डिफरेंशियल फॉर्म इसलिए रिवर्सिबल होगा। यस सर, यस सर। हाँ जी, अब उठा के देखिए, इस डी क्यू उठा के यहाँ लिख दो, इस डी क्यू उठा के यहाँ रख दो, तो डीएस इक्वल टू आ जाएगा। इसके बाद तो बड़ा सा फॉर्मूला है कि इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा, डीएस इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला कोई भी प्रोसेस हो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल बेस्ट फॉर्मूला, कहीं अप्लाई कर दो क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, कोई नहीं सकता क्वेश्चन छूट जाए। कोई क्वेश्चन आप बताइएगा अभी तुरंत फटाक देखेंगे, फटाफट देखेंगे, पहले मैं इसको देख लेता हूं एक बार। डीएस इक्वल टू बच्चों आ जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा एन सीवी डी टी प्लस एन सीवी डी टी प्लस पीडीवी और अपॉन टी, और इसको क्या करो टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोनों साइड, तो डीएस इक्वल टू आ जाएगा एन सीवी डी टी बाई टी और प्लस यहां आ जाएगा पीडीवी और बाई टी, ऐसे आ गया। अब देखो बच्चों, हमको पता है अगर गैस आइडियल है तो पी एज अ फंक्शन, हम पी की वैल्यू वहां से रख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, तो पी इक्वल टू आ जाएगा एनआरटी बाई बी, ऐसे इस पी को उठा करके यहां रख दीजिए, इसमें देखिए क्या होता है, डीएस इक्वल टू आ जाएगा एन सी वी डी टी बाई टी प्लस यहां इसको रखोगे तो टी से टी कैंसिल होगा, बचेगा एन आर डीबी बाई बी। देखो बच्चों डीबी बाई बी आ गया, ये डिफरेंशियल फॉर्मूला है, कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कहीं भी, अभी डिफरेंशियल है, अभी ये डिफरेंशियल फॉर्म, इसको आप इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे डीएस को जोड़ दो तो अपने आप एक बड़ा सा डीएस आ जाएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना, बड़ा सा डीएस आ जाएगा याद रखना, छोटे फॉर्मूले से बड़ा फॉर्मूला कहीं भी पहुंच जाएंगे। जितने एंट्रोपी के क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा टिपिकल लगते हो, भले ही लगते हैं यही तो कैसे होगा, अरे ये छोटा फॉर्मूला लेके जाओ, वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको, अगर इसको हमें देखो, इसको इंटीग्रेट कर दो, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें बच्चों, यहाँ इंट्रीगल डीएस हो जाए, यहाँ इंट्रीगल हो जाए, यहाँ इंट्रीगल हो जाए, तो जो कॉन्स्टेंट इंट्रीगल के बाहर लो, जो इंट्रीगल के रूल होते फॉलो करो, सॉल्व इसको इंट्रीगेट करके हम ला सकते हैं, है ना। हाँ, इसमें ये सीरी, ये कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और ये एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है, अगर ये कॉन्स्टेंट इंट्रीगल के बाहर आ जाएगा, नहीं है तो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अंदर आएगा, इंट्रीगेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे क्या करना है, सीवी कॉन्स्टेंट है कि सीवी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखो। एडवांस में मेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सीवी जनरली कॉन्स्टेंट होता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, एडवांस में क्वेश्चन अगर आएगा तो सीवी में भी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखो एडवांस के हिसाब से। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो मेंस के हिसाब से डायरेक्ट है, सीवी को कॉन्स्टेंट मान लिया। अच्छा, सीवी अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे डेल्टा एस हो जाएगा, यहाँ एन आर एन सी वी बाहर आएगा और इधर टेम्परेचर को टी वन से टी टू में लिमिट लगाओगे तो एल एन टी टू बाई टी वन आ जाएगा, यहाँ पे एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस इधर देखिए ये एन आर है, एन आर और यहाँ पे एल एन, बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ भी एन तो कॉन्स्टेंट आर भी कॉन्स्टेंट, इसको इंटीग्रल डी वी अपॉन वी एल एन वी हो जाएगा, ये वी टू बाई वी वन बचेगा, ऐसा ये फॉर्मूला आ गया, देख लीजिए ये फॉर्मूला हमने, ध्यान दीजिएगा ये गैस नहीं, जनरल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड लिक्विड गैस, उसका फॉर्मूला है ये सॉलिड लिक्विड गैस जिसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था, बाद में ये हो गया उसके n मोल थे सॉलिड के, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना। बस हमने ये जो वैल्यू रखी ना PV = nRT, ये गैस के लिए रख दी, यहां गैसियस इक्वेशन लगा के रख दी, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जनरली। अच्छा, इसमें क्या है, देखो ध्यान देना, यहां पे CV है तो यहां पे वॉल्यूम है। अब अगर हम चाहें कि हम CV नहीं, यहां CP लाना चाहते हो, यहां CP भी आ सकता है, कैसे, अरे आइडियल गैस लॉ याद है आपको, आइडियल गैस लॉ से क्या करो, V2 by V1 के लिए उठा कर रख दो, आइडियल गैस लॉ आपको याद होगा कौन सा, P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2, गैसीय स्टेट में अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, हर ये फॉर्मूला यहां तक ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ये तो हर जगह वैलिड है, ठीक है। और कहीं कोई कंफ्यूजन तो ये बेसिक फॉर्मूला लेके चलो, मैंने बोला ये फॉर्मूला कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं लाने देगा, हर जगह क्वेश्चन आपका आसान कर देगा। हाँ, P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2, यहां से क्या करो बच्चों, इससे V2 by V1 निकालो, यहां यहां रख दो V2 by V1 निकाल के, तो यहां से V2 by V1 कितना आ जाएगा, देखो यहां से V2 V2 by V1 equals to आ जाएगा P1 by P2
और यहाँ जाएगा टी टू बाई टी वन। देखो ऐसा बच्चों, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, रीअरेंज करो और ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया रूप ले लेगा। क्या रूप ले लेगा? आप सर्व कॉपी में करो, मैं इधर लिख देता हूँ फटाफट। क्या फॉर्म ले लेगा? मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए इधर। तो इस v2 by v1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, डेल्टा s इक्वल टू आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा? देखो मैं रख देता हूँ पहले इसमें n cv, n cv ln t2 by t1 प्लस एन आर एल एन। देखो बच्चों यहां पे v2 by v1 की जगह हम लोग रख रहे हैं p1 by p2, और यहां रख देंगे t2 by t1, है ना। अब ये t2 by t, देखो ये log log x into y करके लिखा हुआ है, तो log x plus y लिखो, t2 by t1 को बदल लिया, पूरा रीअरेंज करो, तो जो फॉर्मूला आता है दूसरा वो मैं लिख देता हूं बच्चों, डेल्टा s इक्वल टू, आपको कर लेना पूरा यहाँ पे n, और जब इस t1 by t2 यहाँ लिया होगा तो ये cv नहीं रह जाएगा, cv नहीं रहेगा, यहाँ cp हो जाएगा, cp ln t2 by t1 प्लस यहाँ हो जाएगा nr ln यहाँ पे p1 by p2, p1 ऊपर p2 नीचे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से आंसर निकालो, चाहे इससे निकालो, सेम आएगा, एंट्रोपी चेंज सेम रहेगी, ठीक है। एंट्रोपी चेंज बिल्कुल एक जैसी आने जा रही है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज में ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला, एंट्रोपी चेंज एक जैसी आने जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों फॉर्मूले में अगर बाई चांस, देखो तो अब क्या हो गया ना, इनमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस बोल दिया, आइसो इन दोनों, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अगर आइसोथर्मल बोल दे पहला आइसोथर्मल, तो T1 T2 बराबर होंगे, T1 T2 बराबर रख दोगे, चाहे इस फॉर्मूले यूज करो, T1 T2 बराबर रख दो, देखो ना ये T2 by T1 1 हो जाएगा और ln 1 जीरो होता है, ये पूरा पहला टर्म यहाँ गायब हो जाएगा, यहाँ भी पहला टर्म गायब हो जाएगा, समझे ना। तो अगर आइसोथर्मल है तो यहाँ का पहला टर्म भी गायब होगा, यहाँ का पहला, यहाँ भी दूसरा टर्म, जो आंसर इसके दूसरे टर्म से आएगा वही आंसर इसके दूसरे टर्म से आएगा, आइसोथर्मल में सिर्फ दोनों का दूसरा टर्म बचेगा। अगर आइसोबैरिक है आइसोबैरिक है तो आइसोबैरिक में P1 और P2 बराबर हो गए, आइसोकोरिक है तो V1 और V2 बराबर हो गए। इस प्रकार से अगर आइसोकोरिक है P1, आप वो फॉर्मूला यूज करो, इसमें प्रेशर आया, इसमें तो प्रेशर नहीं, प्रेशर इसमें P1 P2 बराबर कर दोगे, इसका इस वाले फॉर्मूले का सेकंड टर्म गायब हो, खाली पहले टर्म से ही आंसर आ जाएगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम वाला कौन सा, वॉल्यूम इसमें आया, V1 V2 बराबर करो, उसका सेकंड टर्म गायब होगा, पहले टर्म से आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में टाइम कम होता है, डिराइव तो कर सकते हो लेकिन करने कौन बैठेगा वहां पर कम समय के लिए, फॉर्मूला इसको याद रखो, फॉर्मूला इसको याद रखो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हम लोग डिराइव करने नहीं बैठने जा रहे, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों प्रोसेस में यही फॉर्म, दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे चाहो वैसे यूज कर लो, जैसे चाहो वैसे यूज कर लो, ठीक है। इसके बाद हम एक और केस लेंगे, मतलब इसमें अब इसके बाद ये फॉर्मूला वैल्यू रख के आंसर निकालने वाला क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है ना। फॉर्मूला यहां तक पहुंच गए, गैस के लिए मैंने कहा फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, आपको नहीं सॉलिड का टेम्परेचर है, सॉलिड लिया है तो ध्यान रखना बच्चों, अगर सॉलिड ले लोगे आप, बाई चांस आपने सॉलिड ले लिया, ठीक है,
तो सॉलिड के केस में सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहे, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो अगर सॉलिड मतलब ये फॉर्मूला से लेके चलो यहाँ तक, ये सब लेके चल रहे यहाँ पे आ गए, आपको सॉलिड हमारे पास है, सॉलिड का देखो सॉलिड का तो डीवी, सॉलिड में वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, तो यार डीवी जीरो होगा तो सेकंड टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ पहले टर्म से आंसर निकालना। लिक्विड के लिए भी डीवी चेंज इन वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। मतलब ये डीवी डीवी सिग्निफिकेंट सिर्फ गैस के लिए है, अगर सॉलिड लिक्विड होगा तो डीवी वाला टर्म ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। आप चाहो तो रखो लेकिन ये नेग्लिजिबल, जनरली इसको निग्लेक्ट करके हम सीधे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। मान लो बोले एक सॉलिड उसका टेम्परेचर बदल रहे हैं टी वन से टी टू, बताओ एंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो सॉलिड के लिए सर वॉल्यूम चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सीधे सीधे टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व हो जाएगा। सीधे लिक्विड है ऐसे ही, लिक्विड के लिए भी डेटो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले की कुछ एप्लीकेशन और देखने जा रहे हैं, मेरे साथ कुछ एप्लीकेशन और देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए अब मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ करते जाइए, यहां तक तो हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए, इसके बाद के जो एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का उपयोग करो डायमेंशन इक्वालिटी, ध्यान रखना कि डेल्टा एस का यूनिट, देखिए डायमेंशन इक्वालिटी कैसे रखोगे, इसका यूनिट और इसका यूनिट, तीनों यूनिट एक जैसे होने चाहिए। मतलब ये जूल है तो ये जूल रखना है, ये कैलोरी है कैलोरी, ये कैलोरी रखना है ना, ये पी वन पी टू डायमेंशन लेस होना चाहिए, पी वन पी टू डायमेंशन लेस होना चाहिए, ऐसे वैल्यूज रखना है। इस तरीके से रखोगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। आंसर मतलब आंसर सही आएगा, मतलब आंसर कोई समस्या नहीं रही होगी। तो ये तो हो गया, हमने एंट्रोपी चेंज की बात कर ली, राइट। इस एंट्रोपी चेंज के बाद किसके लिए बात की हमने, मैंने कहा किसी भी सब्सटेंस के लिए वैलिड है, गैस के लिए तो हमने करके दिखाया, अब हम इसी चीज को सॉलिड पे अप्लाई करते हैं। दो सॉलिड हैं, सॉलिड का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। इवन सोचो ना जरा कि जब कोई लिक्विड होता है, पानी गर्म करते हैं, पानी जीरो डिग्री से लेकर के कहां पहुंच गया, पानी जीरो डिग्री से लेकर के पहुंच गया मान लो पांच डिग्री तक। अब जीरो से पांच टेम्परेचर चेंज तो हुआ ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हाँ टेम्परेचर चेंज होगा। तो पानी के लिए एंट्रोपी चेंज में ये टेम्परेचर वाला टर्म रहेगा, इसे पहला टर्म रहेगा, पहला टर्म रहेगा नहीं, पहले टर्म से सॉल्व करेंगे, पहला टर्म यहाँ का इस फॉर्मूले का, पहला टर्म इस फॉर्मूले का, ठीक है। शुरू से ही अगर शुरू से ही चलते डीवी यही निग्लेक्ट कर देते तो अपने आप डेरिवेशन ऐसा था कि सिर्फ पहला टर्म आता दूसरा टर्म आता ही नहीं उसमें। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन करिए आप लोग, लिखिए फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज when temperature change of water takes place, temperature change of 36 gram water, temperature change of 36 gram water takes place from 35 degree to 75 degree Celsius, 35 degree 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब 36 ग्राम पानी है, 35 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, बताइए क्या होगा। और पानी की हीट कैपेसिटी, पानी की स्पेसिफिक हीट आपको पता है 1 कैलोरी पर ग्राम, पानी का स्पेसिफिक हीट लिखिए, उसे हीट कैपेसिटी अपने आप निकाल लीजिएगा, लिखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, और ये सीवी भी मोलर हीट कैपेसिटी, हमें स्पेसिफिक हीट दी, एक ग्राम के लिए पता है, एक ग्राम के लिए पता है, यहाँ एक मोल के लिए रखना है, तो पानी का एक मोल 18 ग्राम होता है, सोच के देखो अपने आप हो जाएगा। थोड़ा ट्राई करो, वरना दो मिनट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ लोग इसी फॉर्मूले से डराइव कर लो, नहीं तो कुछ लोग बेसिक से भी चल सकते हैं, करो एक बार देखो क्या आंसर आता है, देखो जैसे किसका आंसर वो बोलेगा फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। जैसे आपका आंसर हो बताइए,
720 कैलोरी. बच्चों एक मिनट अभी कैलकुलेट करो, रुको एक मिनट. बच्चों किसी और का आंसर आया जो शब्द ने बोला? अरे किसी और का आंसर आया है अक्षत जैसा? त्रिपाली तुम्हारा आंसर कितना आया? 24 पॉइंट कुछ आ रहा है सर. कितना? 24. चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं करता हूँ इसको. देखो बच्चों आप पानी के लिए हम ये यूज करेंगे या तो इस फॉर्मूले का पहला पॉइंट या इस फॉर्मूले का पहला पॉइंट है ना. तो डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन राइट. अच्छा अब यहां पे इतना पहुंच गए, सीपी कितना होगा? सीपी पर मोल होता है सर, एक ग्राम के लिए वन कैलोरी है, वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, लेकिन एक मोल के लिए इंटू 18 हो जाएगा, पर मोल बेसिस पहुंच जाएगा सीपी. टी टू कितना हो गया? टी टू हो गया 75 प्लस 273 और टी वन हो गया 35 प्लस 273. ये एन कितना है? अच्छा 36 ग्राम है, 36 ग्राम यानी 36/18 दो मोल है ये हमारे पास. मोल दो हो गए, सीपी रखना है पर मोल बेसिस पे, एक ग्राम के लिए एक है तो 18 ग्राम के लिए 18 × 18 होगा. एलएन टी टू बाई टी वन, टी टू इतना टी वन इतना, इसको कैलकुलेट करिए जो भी आंसर होगा यही होगा. और पानी के लिए सीपी और सीबी लगभग बराबर होते हैं, लिक्विड या सॉलिड के लिए
लिक्विड या सॉलिड के लिए सिर्फ हीट कैपेसिटी होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम रहते हैं। इसके लिए लिक्विड या सॉलिड के लिए गैस में फर्क पड़ेगा, इसलिए सीपी रखो या सीवी रखो सेम रहेगा। ठीक है अर्शद, ऐसे ही किया ना आपने या कुछ और किया है? यस सर। बाकी क्या होगा, मोल हो गया 2 और सीपी हो गया 18 कैलोरी और एलएन हो जाएगा 75 + 273 और 35 + 273। सॉल्व करो, अभी आंसर जो भी है यही आंसर, एक कैलोरी में आंसर होगा 4 अप्रॉक्स 4 आ रहा है। ठीक है अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखो कैसे कि पानी 35 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, उसमें क्या होगा पानी का टेम्परेचर भी बदलेगा और पानी का फेज भी बदलेगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, आप सोचिए गैस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे करेंगे, उस पर सॉलिड लिक्विड में कैसे करेंगे वहां जरा बात कर लेते हैं एंट्रोपी चेंज की। बेसिक फॉर्मूला वही है, dQ reversible by T बेसिक फॉर्मूला वही है। ठीक है देखिए ऐसे हम फाइंड डेल्टा एस इफ 18 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। करो बच्चों, आपको दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम दिया है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया है। तो बच्चों अभी यहां 2 प्रोसेस हो गए, हमारा जो प्रोसेस है टोटल डेल्टा एस 2 प्रोसेस को जोड़ के आएगा, डेल्टा एस मतलब प्लस डेल्टा एस। पहला डेल्टा एस होगा फेज चेंज, ये होगा फेज चेंज, फेज चेंज, और ये होगा टेम्परेचर चेंज। फेज चेंज में क्या होगा बच्चों, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और टेम्परेचर चेंज में लिक्विड से लिक्विड रहेगा, लेकिन ये 0 डिग्री से कहां हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट तो वैसे ही होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड पार्ट तो ऐसे ही होगा जैसे पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ था, या सेकंड पार्ट में पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, और पहले पार्ट में क्या हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, एक बार ट्राई करो फटाफट फटाफट ट्राई करो, 2 मिनट दे रहे हैं आपको, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, तो मैं अच्छा ये देखो ये वाला पार्ट समझ गए, सेकंड पहला पार्ट कैसे होगा बेटा, पहला पार्ट वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने नोट में लिखा था पहले ना, यहाँ क्या होगा किसको करने के लिए होता है डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और ये था डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, मतलब यहाँ 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए, पहला आइस को पानी में कन्वर्ट करना यानी फेज चेंज का एंट्रोपी चेंज, और फिर पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री यानी टेम्परेचर चेंज का एंट्रोपी चेंज। पहला एंट्रोपी चेंज फेस चेंज, दूसरा टेम्परेचर चेंज, फेस चेंज आइस से वाटर, टेम्परेचर चेंज पानी 0 से पानी 10। कर लोगे बच्चों, करके देखो फटाफट जल्दी से फटाफट करिए।
जल्दी करके देखिए टेम्परेचर चेंज, इसका एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही खाली एंट्रोपी चेंज वाले। सर एक निकलेगा क्यू रिवर्सिबल पॉइंट, हाँ जी बोलिए बेटा। 0.94 आ रहा है दोनों का सम मिला के? यस सर। ओके मैं भी एक बार कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, आप लोग करिए मैं भी कर लेता हूँ फोन से, मैं करता हूँ एक मिनट। 6 के आसपास आ रहा है थोड़ा। कितना आया आपने, कितना बोला बेटा? 0.94। अच्छा आपने कितना बोला? 5.96 के आसपास आ रहा है। ओके बस एक मिनट दो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 80 कितना त्रिपाली कितना बता रही हो? 5.9। ओके यस सर मेरा भी वही आ रहा है। हाँ मस्त दोनों लोग ठीक है। तो 80/273 प्लस 5.9 कितना बोला आपने बेटा? 5.91। ये मेरा तो 50.46 आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? मेरी गलती है। 5.9 समथिंग ठीक है, ठीक है 5.9 पूरा वर्किंग देख सकते हैं ऐसा है। यस सर देख रहा वर्किंग कुछ देखा? यस सर ठीक है। यस सर चले बच्चों। अच्छा इसमें अभी क्या करते हैं, ये तो हो गया कि आइस अभी चले गए। देखो अब क्या कर सकते हैं, अब हम आइस पहले जीरो पे था तो अच्छा था कि हमने सीधे आइस को मेल्ट कर लिया। ऐसा भी हो सकता आइस का टेम्परेचर माइनस में होता, तो आइस अगर टेम्परेचर माइनस में होता तीन फिर स्टेप होते। पहला आइस को पहले माइनस टेम्परेचर जीरो पे लाते, यानी आइस का पहले टेम्परेचर चेंज उसका एंट्रोपी चेंज फिर आइस को मेल्ट, उसके बाद यही होता। ये दो स्टेप थे, लेकिन आइस अगर माइनस समथिंग होता पहले आइस को गर्म करते थे जीरो पे लाते एक एंट्रोपी चेंज वहां भी आता। ठीक है एक एंट्रोपी चेंज वहां पर भी आता राइट। तो इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। अभी क्या है, हमने बच्चों ये देखा है कि एंट्रोपी चेंज का जो केस देखा है वो यहां देखा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ये सब हो जाएगा। ठीक है लेकिन अच्छा वॉल्यूम चेंज वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉल्यूम चेंज वाला नहीं किया ना, वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? हम दो गैसें हैं, गैस वन और गैस टू, दोनों गैस को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना है? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक फॉर्मूला यही यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला वही है, बड़ा वाला फॉर्मूला इसमें से, इसमें से जैसे यहाँ अच्छा वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है तो ये प्रेशर वाला नहीं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लेंगे और जो इससे पहले जो लिखा था और उसमें वॉल्यूम वाला पॉइंट ही लेके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट
एंट्रोपी चेंज व्हेन एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऐसा फोटो दिया, देखिए जरा, एक चैम्बर ये था, यहां नाइट्रोजन गैस थी, यहां पे कोई गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, बीच में चैम्बर भी बंद था पहले। फिर क्या किया हमने, इसको ओपन कर दिया, इसको बीच में जो स्टॉपर था उसको ओपन कर दिया। स्टॉपर ओपन करने से क्या हुआ, अब वॉल्यूम उतना ही है लेकिन दोनों गैसें अब दोनों चैम्बर में फैल गई। यानी अब दोनों गैस, पहले मान लीजिए यहाँ पे केवल डॉट वाली गैस थी, यहाँ केवल क्रॉस वाली गैस थी, अभी क्या हो गया, डॉट दोनों जगह आ गए, क्रॉस भी दोनों जगह आ गए। तो फाइनल वॉल्यूम चाहे नाइट्रोजन का पूछे तो भी दोनों को जोड़ के बताएंगे, फाइनल वॉल्यूम ऑक्सीजन पूछे तो भी दोनों जोड़ के बताएंगे, नहीं फाइनल वॉल्यूम हम दोनों को जोड़ के ही बताएंगे दोनों केस। तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप निकालें कि जब हमने बीच का स्टॉपर खोल दिया, स्टॉपर ओपन कर दिया, टेम्परेचर सेम है, जो टेम्परेचर यहां का था वही टेम्परेचर यहां का, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है एंट्रोपी चेंज कितना होगा यहां पे आने में, थोड़ा ट्राई करो, मैं फिर डिस्कस करता हूं, फॉर्मूला वाइज निकालो। फाइनल वॉल्यूम देखो, फाइनल वॉल्यूम हिंट देते हैं, फाइनल वॉल्यूम जो होगा ना, फाइनल वॉल्यूम दोनों के लिए, इसका वॉल्यूम अगर इतना था, इसका इतना, दोनों को जोड़ दे, फाइनल वॉल्यूम हो जाए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन चैम्बर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चैम्बर, ये टोटल हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया। एक बार ट्राई करिए, दो मिनट लीजिए, फटाफट करके दीजिए कैसे होगा, और डेरिवेशन के थ्रू करिएगा, क्योंकि डाटा दे कोई भी रख देगा, डाटा रख के फटाफट हो जाएगा कंसेप्ट, तभी समझे जो प्रॉपर तरीके से आप करेंगे। करिए हाँ हो गया बच्चों, ये करें, देखिए देखो कितना आसान है। एंट्रोपी फैक्टर थर्मोडायनेमिक्स का, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो जाए एंट्रोपी चेंज हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान देना बच्चों, इसके बाद हम एडियाबेटिक प्रोसेस में भी बात करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के थोड़ा अलग तरीका होता है, उसमें दोनों केस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंट्रोपी चेंज देखो, सर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, हम इसके पहले हम नाइट्रोजन गैस के लिए इसकी एंट्रोपी चेंज निकालेंगे डेल्टा एस वन, फिर इसकी एंट्रोपी चेंज निकालेंगे डेल्टा एस टू, और दोनों को जोड़ देंगे टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो बोलेंगे टोटल डेल्टा एस टोटल जो होगा बच्चों वो होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ नाइट्रोजन चैम्बर प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ ऑक्सीजन चैम्बर, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू निकालते हैं, एस वन प्लस डेल्टा एस टू। यानी नाइट्रोजन का एंट्रोपी चेंज निकाल लो, शुरू में मिक्सिंग के पहले एंट्रोपी क्या थी, मिक्सिंग के बाद क्या थी नाइट्रोजन के लिए, तो ऐसी ऑक्सीजन के लिए मिक्सिंग के पहले मिक्सिंग के बाद, बस दोनों निकाल के जोड़ देना। तो देखो जरा डेल्टा एस ये कैसे आएगा,
ध्यान देना, इसको भी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला है, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, यहाँ से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये वाला टर्म हटा दो, इस वाले टर्म को ये गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एस जो बचेगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बचेगा, यानी फाइनल अपॉन इनिशियल। ये यही फॉर्मूला डेल्टा एस वन निकालने के लिए लगाएंगे, यही फॉर्मूला डेल्टा एस टू निकालने के लिए लगाएंगे। डेल्टा एस टू किसके लिए? डेल्टा एस टू ऑक्सीजन के लिए, डेल्टा एस वन नाइट्रोजन के लिए। देखो जरा कैसे करेंगे, डेल्टा एस वन देखो बच्चों, डेल्टा एस वन कैसे आएगा, बड़ी आसानी से डेल्टा एस वन आ जाएगा, ध्यान दीजिए कैसे आएगा। डेल्टा एस वन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन कितने मोल है, अच्छा मोल तो है नहीं अपने पास, तो रखना पड़ेगा यहाँ पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है तो रखो पहले मोल्स ऑफ डेल्टा ऑन नाइट्रोजन के लिए, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जितने भी होंगे ये नहीं है, मान लो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इनटू आर इनटू एलएन फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना बच्चों, देखो जरा फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, इनिशियल वॉल्यूम वी ऑफ नाइट्रोजन है, वी वन, यहाँ पे वी ऑफ नाइट्रोजन रखना है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इसका, नाइट्रोजन गैस एक चैम्बर में नहीं, दोनों चैम्बर में फैल गई, तो टोटल वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए ये माना जाएगी, टोटल वॉल्यूम मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग, दोनों चैम्बर का वॉल्यूम जोड़ दो, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन चैम्बर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चैम्बर, इसका टोटल वॉल्यूम आ गया डेल्टा एस वन आ गया। ये किसका डेल्टा एस वन है, ये नाइट्रोजन चैम्बर के लिए एंट्रोपी चेंज है। इसी प्रकार से बच्चों आप डेल्टा एस टू भी निकालो, सेम फॉर्मूले से, डेल्टा एस टू ऑक्सीजन चैम्बर के लिए, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू आर और इंटू एल एन, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी ऑफ एन टू प्लस वी ऑफ ओ टू, इसका भी फाइनल वॉल्यूम दोनों चैम्बर का वॉल्यूम जोड़ के आ जाएगा, और अपॉन इनिशियल अपना अपने चैम्बर का वॉल्यूम चाहिए। बच्चों ऐसे रख दो, डेल्टा एस वन आ गया, डेल्टा एस टू आ जाएगा, और इसमें से देखो ये सब कॉमन हो जाएगा आर एल एन, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो फाइनल एंट्रोपी चेंज कितना आ गया, फाइनल डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू आ जाएगा। बच्चों इन दोनों में से ये आर और लॉग का टर्म कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा एल वन एन वन प्लस एल टू, सॉरी एन वन नहीं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रैकेट में, और जो कॉमन आ जाएगा ये होगा, ये पूरा टर्म कॉमन यहाँ से भी होगा, ये पूरा टर्म कॉमन यहाँ से भी होगा, सेम टर्म है पूरे में, नहीं कहाँ कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं है, मुझे गलती से कॉमन लग रहा है, नहीं कॉमन नहीं है, तो मैं दोनों की वैल्यू रख, एक्चुअली मैंने दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, मैं ध्यान नहीं दिया उस पर, तो उठा के रख दो डेटा, अपने आप एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अच्छा इसको बुक्स में फॉर्मूला आपको लिखा मिलेगा ऐसा, एंट्रोपी यही फॉर्मूला बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, डेल्टा एस मिक्सिंग हो जाता है माइनस एन किसी गैस के मोल इनटू आर और एलएन उसका एक्सआई, उस गैस के लिए एक्सआई आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, और ये ऐसे बहुत सारी गैसेस होंगी, सबका सम होगा सिग्मा ऑफ माइनस ये पूरा, ठीक है। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, दोनों को जोड़ के देखिए सिग्मा टू, यही फॉर्मूला तो आ रहा है, कैसे, पहली गैस के मोल इंटू आर, गैस के मोल एन आई, यहाँ पे एन आई होगा मोल्स ऑफ आई एस गैस, तो मोल किसी गैस के मोल इंटू आर इंटू एल एन उसका मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों वही है देखो ना, अच्छा माइनस साइन बाहर आया, अच्छा माइनस साइन कैसे आप कर गए, हमारे में तो माइनस कहीं आया नहीं, हमारे में तो कहीं माइनस आया नहीं, तो क्या करोगे फिर, देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले जाना, तो यहाँ इनवर्स का पावर आएगा, उसका माइनस वन करके लगा देना, ऐसे करके जोड़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है बच्चों, जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, इसलिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये वॉल्यूम का रेशियो है, यही मोल का रेशियो हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो टू मोल का रेशियो किसी भी गैसेस मिक्सचर के लिए होता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो स्पेशल, तो ऐसे केस में आप इनके डाटा रखिए बच्चों, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को जोड़ के हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, मिक्सचर का एंट्रोपी चेंज निकालना होता है, सिग्मा करना पहले, और हर एक गैस को लेना है एन आई, पहली गैस यहाँ तीन दो गैस हैं, तो माइनस एन वन पहली गैस के मोल, आर एल एन पहली गैस का मोल फ्रैक्शन, प्लस ऐसी अगला गैस, फिर अगला गैस, समेशन है सबका लगा रहेगा,
ऐसे भी कर सकते हैं, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा और इसमें कोई नया फॉर्मुला नहीं, वही फॉर्मुला अप्लाई किया जो आपको मैंने बताया था, बेसिक फॉर्मुला, वही बेसिक फॉर्मुला बार बार अप्लाई किया, एंट्रोपी चेंज अपने आप होता चला जाएगा। नाउ राइट डाउन एंट्रोपी चेंज, लिखिए अगला एंट्रोपी चेंज ऑफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडियाबेटिक प्रोसेस में कई लोग बोलते हैं एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा क्योंकि क्यू जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है, वही देखना क्यों नहीं है। एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, चलिए एंट्रोपी चेंज ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस पर देख लेते हैं। हटाया इसको, ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों जो बच्चे अभी ट्वेल्थ के एग्जाम दिए हैं, बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे बच्चों में ऐसा देखा गया थोड़ा इनर्शिया टाइप आ गया है एग्जाम को लेकर, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, आप लोग इनर्शिया डेवलप मत होने दीजिए, ठीक है ना कुछ करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट दीजिए, क्लास करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप घर में बैठे सोते रहेंगे बहुत से लोग, ये नॉर्मल चीज है, अभी नहीं जागेंगे, जब जेईई मेन में एक महीना तब जागेंगे, तो जागने से कुछ होगा नहीं, अच्छे से बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, और आप लोगों के लिए बहुत खराब टाइम चल रहा है क्योंकि जो एग्जाम मार्च में हो जाना, अप्रैल में हो जाना चाहिए, वो अभी तक खींचा चला जा रहा है, अप्रैल या मई में, ठीक है, छह महीना किसी चीज को खींचना आसान नहीं होता। चलिए आइए देखिए, इधर एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस दो टाइप का होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होगा, हम दोनों देखेंगे रिवर्सिबल में क्या करना है और इरिवर्सिबल में क्या करना है, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहां भी बच्चों जो फॉर्मूला आएगा या जो डेरिवेशन होगा, जो बेसिक कंसेप्ट होगा वही है जो हमने लेके चले, देखिए ना इसमें भी मान लो कोई प्रोसेस एडियाबेटिकली हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी चेंज वही निकालेंगे, dQ रिवर्सिबल अपॉन T, ये देखो वही तरीका अपना, रिवर्सिबल क्या होगा, छह महीने में धीमे 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 छह महीने में हो रहा है, रिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल क्या होता, फटाफट खत्म हो गया, रिवर्सिबल मीन्स तुरंत खत्म, और इरिवर्सिबल मीन्स धीरे 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 छह महीने में हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये, तो ds equals to dq reversible upon t है, ds equals to dq reversible upon t है, राइट, अब dq reversible upon t में कैसे करना है देखिए जरा, ये ऐसा होता है, इसको निकालने का तरीका वही है, वही फर्स्ट लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ में करते वही करिए, क्या हो जाएगा du equals to dq plus dw, dw क्या होगा माइनस pdv, ठीक है, du क्या होता है ncv dt, ढक रख दो, देखिए कितना आ जाएगा, यहां से dq आ जाएगा, ds equals to dq आएगा यहां पे, और इसको तो ट्रांसपोज कर दो, ncv dt प्लस pdv और अपॉन t, देखिए वही फॉर्मूला जैसा इससे पहले था वैसा ही कुछ है, जैसे एक मिनट, जैसा इससे पहले था वैसा ही कुछ है, देखिए बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, इसको इंटीग्रेट करो, डिटो वैसे ही इंटीग्रेट करो, इससे पहले किया तो वही फॉर्मूला आएगा, जो बड़ा फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूं जो आएगा, इंटीग्रेट करें पे डेल्टा एस इक्वल टू आया था एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा आपसे पहले आया था बच्चों, डिट्टो वही है, अभी थोड़ी देर पहले किया, बस ये एडियाबेटिक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबेटिक क्या होता है, उसमें हीट ना आती है ना जाती है, हीट का अंदर आना जाना नहीं होता। चलिए
ये DQ reversible है, ध्यान रखना DQ reversible तरीके से रख रहे हैं। खैर अभी काम करते हैं, adiabatic में तो हमको याद है क्या formula होता है, P1 V1 की power gamma equal to P2 V2 की power gamma, ये सब formula apply होती है, या फिर यहाँ pressure हटा दो या temperature हटा दो, वैसे कुछ formula apply होते हैं ना तो adiabatic में। तो इसमें करें कैसे, तो देखो जैसा बता रहे वो करना है, यहाँ पे हमको NR यहाँ पे है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी NR हो जाए, ये NR है यहाँ पे है, यहाँ पे भी NR आ जाए तो NR कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे NR है यहाँ पे NR कर देखे, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड करो तो ऊपर ही NR हो जाएगा, NR कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे, देखिए इधर डेल्टा S, ये NR यहाँ से कॉमन है, NR कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा CB by R और यहाँ बचेगा ln T2 by T1 प्लस यहाँ से NR चला गया, यहाँ बचेगा ln V2 by V1, ठीक है ना। अच्छा ये CB upon R कितना होता है बच्चों, अगर याद करिए आपके याद होगा CB equals to होता है R upon gamma minus 1, ये ना होता है, देखो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा है CB equals to R upon gamma minus 1, तो इस R को इधर ले जाओ तो CB upon R कितना आ जाएगा, CB upon R आ जाएगा 1 upon gamma minus 1, ये तो ये एक्चुअली ये वैल्यू होगी 1 upon gamma minus 1, इसको यहां रखो फिर इसको T की पावर बना दो तो डेल्टा S आ जाएगा, ऐसा कुछ NR ln T2 by T1 और इसको CB upon R को रखेंगे 1 upon gamma minus 1, ये देखिए 1 upon gamma minus 1 रख दिया प्लस ln V2 by V1। देखो बच्चों ये log x into log y वाला टर्म बन गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस एन आर और यहां बचेगा ln T2, इसको सही से लिखो, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा बन जाएगा, T2 की पावर 1 माइनस गामा इनटू ये V2 आ जाएगा और अपॉन यहां आएगा T1 टू दी पावर 1 माइनस गामा और यहां आ जाएगा V1। देखो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया और हमको अच्छे से पता है कि जैसे P1 V1 ये होता पॉइसन लॉ होता है, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा, उसी प्रकार से अगर यहां से हम प्रेशर को रिप्लेस कर देते आ जाएगा T1 टू दी पावर 1 माइनस गामा इनटू V1 इक्वल्स टू T2 टू दी पावर 1 माइनस गामा इनटू V2। देखो बच्चों ये दोनों बराबर होते हैं बट ये वैलिड होता है किसके लिए, ये सारे लॉ वैलिड होते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लावल बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कोई भी लॉ, ऑल लॉज आर वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। तो ये जो है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा रिवर्सिबल प्रोसेस में, T की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर 1 माइनस गामा इनटू V1 इक्वल टू T2 की पावर 1 माइनस गामा इनटू V2, ये भी किसके लिए, इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म है, इसी पॉइसन लॉ में प्रेशर को रिप्लेस कर दो PV को NRT से यही सब बन जाएगा। ये वैलिड है कब, रिवर्सिबल प्रोसेस लिए, ऑल आर वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। अब ऐसे केस में क्या है, ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म बराबर होते हैं रिवर्सल प्रोसेस में, उसी प्रकार से ये दोनों टर्म बराबर होते हैं रिवर्सल प्रोसेस में अगर प्रोसेस, तो इस फॉर्मूले को अब अगर हम अब समझें तो अगर ये जीरो हो जाए कब, डेल्टा एस जीरो आ जाएगा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेल्टा एस जीरो होगा रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस जीरो होगा, ठीक है ना। क्यों, अरे इसलिए क्योंकि ये इक्वल टू दिस, यानी इसका न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे, ये रिवर्सल प्रोसेस बराबर होंगे, तो एडियाबैटिक रिवर्सल प्रोसेस में क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम डेराइव कर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है इसलिए एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, लेकिन इरिवर्सल प्रोसेस में ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इनमें कुछ डिफरेंस होगा और डिफरेंस होगा तो एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा। तो एडियाबैटिक रिवर्सल में एंट्रोपी चेंज जीरो आ जाएगा लेकिन इरिवर्सल में ये नॉन जीरो होगा, अगर इरिवर्सिबल है तो आपको नॉन जीरो है निकालना है, नॉन जीरो जो है सॉल्व करो। ये फॉर्म देखो, ये फॉर्मूला हम जब लिखे थे तो कोई रिवर्सल एडियाबेटिक नहीं लिखे, जनरल प्रोसेस है, ये जनरल है, यहां तक जनरल है, खाली इसको हम कन्वर्ट, ये जनरल प्रोसेस को यहां हम कन्वर्ट कर थोड़ा रीअरेंज कर दिए एडियाबेटिक जैसा दिखने लगे, तो फिर न्यूमरेटर इक्वल्स डिनोमिनेटर पर आइडिया रिवर्सल प्रोसेस तो दोनों बराबर हो गया डेल्टा जीरो, लेकिन रिवर्सल प्रोसेस में ऐसा अगर इरिवर्सिबल है तो दोनों बराबर नहीं है तो डेल्टा जीरो नहीं होगा, रिवर्सल में बराबर इरिवर्सल बराबर नहीं, ठीक है ना। आपको मेरी बात क्लियर होगी अच्छे से,
समझ में आ गई चीज? ओके समझ लीजिए एक बार अच्छे से, जान लीजिए अच्छे से कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है, ठीक है? तो एडियाबैटिक रिवर, एडियाबैटिक में हमेशा एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता है, कंफ्यूजन रहता है एडियाबैटिक में एंट्रोपी चेंज जीरो है, वहां तो क्यू जीरो है तो एंट्रोपी चेंज जीरो होना चाहिए, क्यू जीरो है लेकिन ये फॉर्मूला है ना, इसमें क्यू ऐसा वैसा नहीं रखना, क्यू रिवर्सिबल रखना है। मान लो जो रिवर्सल प्रोसेस है उसके लिए तो क्यू रिवर्सिबल जीरो है, सीधे बोल दो एंट्रोपी चेंज जीरो, लेकिन जो इरिवर्सिबल है वो तो कहते हैं अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, ये डीएस निकालेंगे कैसे? तो अगर कोई बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए आपको डेल्टा एस निकालना है तो आपको सोचना पड़ेगा अगर वही प्रोसेस जो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जो उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल कंडीशन है, कहते हैं अगर उन्हीं कंडीशंस में, वही इनिशियल वही फाइनल कंडीशन में अगर ये रिवर्सिबल तरीके से जाता, अगर वही प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से होता तो कितना एंट्रोपी तो डीक्यू रिवर्सिबल कितना होता? इरिवर्सिबल में तो सीधे डीक्यू रिवर्सिबल जीरो, अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो सीधे जीरो, यहां से सीधे एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा, यहां भी दिख रहा है। लेकिन अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है बच्चों, अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम सोचेंगे क्योंकि यहां हमको रिवर्सिबल वाला डीक्यू रखना होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई कर दें? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम सोचेंगे अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से होता तो कितनी एंट्रोपी देनी पड़ती, कितनी हीट देनी पड़ती, उस इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्यों रिवर्सिबल निकालते, उस इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्यों रिवर्सिबल निकालते कैसे? कि अगर वही इनिशियल फाइनल कंडीशन रहती, अगर प्रोसेस को रिवर्सिबल तरीके से कराते कितनी हीट देनी पड़ती, वो हीट रखते वो होता उसका डीक्यू रिवर्सिबल। क्लियर? और ये चीज आप आराम से देख पा रहे हो, अदरवाइज यहां कंफ्यूज, यहां तो मैंने ऐसा समझा दिया कि हां क्यों रिवर्सल में तो सीधे जीरो होगा, सीधे डेल्टा जीरो, इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल का डीक्यू इरिवर्सिबल जीरो है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का डीक्यू इरिवर्सिबल जीरो है, उसका डीक्यू रिवर्सिबल निकालने के लिए वही प्रोसेस अगर रिवर्सल तरीके से होता क्या होता, वो निकाल के रखना पड़ेगा, वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर होता होता है एंट्रोपी चेंज निकालते। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो, कभी एडियाबेटिक आ जाए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला आया कहां से, वही बेसिक तरीके से आया, मैंने कहा था बेसिक ही हर जगह सेम रहेगा, ठीक है? यहाँ पे कैसे लिखे T1 1 minus gamma into V is equal to T2 1 minus gamma into V, ये वाला क्या बेटा? ये उसके नीचे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ वो सेकंड वाला कैसे लिखे, ये वाला? यस सर। एक काम करो ना, मुझे लगता P1 में P1 की वैल्यू रख दो उससे, NRT by T डालेंगे तो कुछ और T और 1 V gamma minus 1 आएगा ना, तो उल्टा लिखा गया वहाँ पे। अच्छा अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर गामा माइनस वन यहाँ भी है तो गामा माइनस वन यहाँ भी होगा, और दोनों तरफ इन्वर्स कर दो चेंज हो जाएगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, लेफ्ट राइट इक्वल है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर गामा माइनस वन वो एक ही जैसा रहेगा, ठीक है? हम तो डायरेक्ट इसको देख के लिख दिए, आएगा उसी टाइप का, ठीक है? और बताइए एंट्रोपी में कहीं कोई और डाउट हो तो, एंट्रोपी का पोर्शन लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एंट्रोपी में जिसमें भी डाउट, जहां भी पॉइंट डिस्कस करना बताइए, और एंट्रोपी किस टाइप का क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है? बोलिए एंट्रोपी में कौन सा क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, किस टाइप का क्वेश्चन? हमने आज नहीं किए, हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किए, क्वेश्चन अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे कुछ, और इसमें फॉर्मुला बेस्ड भी क्वेश्चन होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन हो ही जाएगा, कहीं नहीं फंसेंगे, बल्कि आपको आप खुद क्वेश्चन करिएगा किसी बुक से उठाकर, सेकंड लॉ के एंट्रोपी वाले क्वेश्चन उठाकर सीधे एन अवस्थी से कर जाइए, या किसी और बुक से आप कर जाइए, एन अवस्थी की बुक सबसे अच्छी बुक है, आप कर लें एन अवस्थी कर लीजिए, ठीक है? या एक नीरज की बुक आती है नीरज कुमार की, उससे कर लीजिए, एन अवस्थी के लिए ज्यादा बेटर, एन अवस्थी के पीछे आंसर्स भी दिए हैं, समय आपको ऐसी बुक में नहीं फंसना जहां आपको सॉल्यूशन नहीं दिखे, ठीक है? तो क्वेश्चन करिए, कभी कुछ पूछना कहीं एंट्रोपी, पूरे एंट्रोपी वाले पार्ट में कहीं डाउट हो तो बताइए। एक थर्ड लॉ डिस्कस नहीं किया, थर्ड लॉ बोलता है एंट्रोपी एट जीरो केल्विन जीरो हो जाएगी, क्या बोलता है थर्ड लॉ? एंट्रोपी एट जीरो केल्विन जीरो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन किसकी जीरो होगी? जो जीरो केल्विन पे क्रिस्टलाइन हो जाती, परफेक्टली क्रिस्टलाइन हो जाती उनकी, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो जीरो केल्विन में पहुंचने में भी क्रिस्टलाइन नहीं होते, अमॉर्फस रहते हैं, उनके एंट्रोपी जीरो केल्विन में भी जीरो नहीं होगी, ठीक है? जैसे वाटर, आइस। तो थर्ड लॉ तो सिंपल है, थर्ड लॉ ज्यादा बात नहीं है, थर्ड लॉ यही बोलता है कि एंट्रोपी एट जीरो केल्विन जीरो होगी उन सब्सटेंस की जो जीरो केल्विन पे क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, डिसऑर्डरनेस जीरो होगी। एंट्रोपी से जुड़ा कहीं और कोई डाउट हो, कहीं कोई कंसेप्चुअल डाउट हो, पहले बात करिए बच्चों। कोई कुछ नहीं बोल रहा है,
ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ इसके, आप अपने डाउट्स लेके आइए, अपने क्वेश्चंस लेके आइए, एंट्रोपी के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक इधर दो दिन में कर लेंगे तो बताइए मेरे को, क्वेश्चन करिए और दो दिन में करके बताइए, हम मंडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख देते डाउट के लिए, सिर्फ ओनली फॉर डाउट, ठीक है। डाउट्स ऑफ एंट्रोपी, जो भी 8-9 लोग इस क्लास में मौजूद हैं वो लोग आप देख लें, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पर, यहाँ से हमने क्वेश्चन कर लिए, हमको डाउट्स हैं एंट्रोपी जुड़े हुए, हम डाउट डिस्कस करते हैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। हाँ बच्चों, जब डाउट होते हैं ना तो डाउट में एक काम करिएगा, डाउट डिस्कस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपना जो भी डाउट्स है ना उनको स्कैन कर लीजिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर, कैम स्कैनर यूज नहीं करिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज करिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, है ना, और पीडीएफ हमको भेज दीजिए, तो हमारे लिए उसके लिए आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना आसान होता है। पीडीएफ बना के भेज दिया, मैं पीडीएफ अपनी स्क्रीन पे खोलता हूँ, वहीं सॉल्व करता चला जाता हूँ सीधे सीधे स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपको दिखता है ज्यादा अच्छे से डाउट हो जाता है। तो जो भी डाउट आपके हैं, आप पहले आप एक एंट्रोपी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें जो भी डाउट है उनका फोटो खींच लीजिए कैम स्कैनर से, कैम स्कैनर नहीं, डॉक्यूमेंट स्कैनर, या डॉक्यूमेंट स्कैनर या कोई और स्कैनर, कैम स्कैनर बैन हो गया है, तो खींच करके पीडीएफ बना के हमको भेज दीजिए, हम मंडे की क्लास प्लान कर देंगे, एक घंटे में, एक घंटे में सारे डाउट डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी के सारे क्वेश्चन कर डालिए, जहाँ भी डाउट है करके रखिए, ठीक है। फिर हम आपको दूसरा, अगर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे चाहे तो दोबारा देख सकते हैं सारे डेरिवेशन, जरूरत नहीं होगी बट फिर भी देख सकते हैं कहीं कुछ मिस हो गया हो तो, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू सर। ओके बच्चों, डाउट डिस्कस करके ग्रुप में बताइएगा, वेलकम बच्चों, डाउट डिस्कस, डाउट के लिए ग्रुप में बताइएगा जरा।